नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के लिए EFM पेपर सेकंड भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में यूनिट संख्या पाँच में चैप्टर है वित्तीय बाज़ार, पूंजी बाज़ार, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट में जो टॉपिक है जो पूंजी बाजार की संरचना एवं उपकरण, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट एंड इक्विपमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में चर्चा की थी कि पूंजी बाजार किसे कहते हैं, पूंजी बाजार वित्तीय बाजार की संरचना का ही एक पार्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया था संगठित बाज़ार और असंगठित बाज़ार में पूंजी बाज़ार और मुद्रा बाज़ार। पूंजी बाज़ार वह बाज़ार होता है जहां पर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है वह पूंजी बाज़ार कहलाता है। जैसा कि पूंजी बाज़ार वह बाज़ार होता है जिसमें या जहां दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है और इस बाज़ार के माध्यम से व्यवसाय एवं उद्योग को दीर्घकालीन कोष उपलब्ध होते हैं। इस तरह के कोषों की आवश्यकता बड़े व्यवसाय घरानों, सरकार तथा आम उपभोक्ताओं को होती है। इस बाज़ार के अंतर्गत कई वित्तीय संस्थाएं कार्यरत होती हैं जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से दीर्घकालीन कोषों का प्रवाह भी होता है। पूंजी बाज़ार वह स्थान है या वह व्यवस्था है जहां दीर्घकालीन कोषों का लेन देन होता है। इस बाज़ार में सामान्यतया ऋण पत्र, अंश पत्र, बंद पत्र, सरकारी प्रतिभूतियां आदि का क्रय विक्रय होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि पूंजी बाज़ार एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जनता प्रत्यक्ष या किसी मध्यस्थ के माध्यम से दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकती है। पूंजी बाज़ार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से क्रियाशील रहता है। पूंजी बाज़ार में स्टॉक एक्सचेंज पूंजी बाज़ार का एक ऐसा भाग है जहां प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय को सुविधाजनक एवं संभव बनाया जा सकता है। इस प्रकार पूंजी बाज़ार कई संस्थाओं का जाल होता है जिसके माध्यम से अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। वास्तव में यही देखा जाए कि पूंजी बाज़ार उद्योग व्यापार के लिए नवीन पूंजी की आपूर्ति करता है। इसी का ही महत्वपूर्ण भाग स्टॉक एक्सचेंज भी इसे हम कहते हैं। पूंजी आपूर्ति के लेन देन को सरल बनाता है। इस प्रकार पूंजी बाज़ार कंपनियों के निवेश हेतु धनराशि पुनः उत्पादक कार्यों में प्रयुक्त करने के लिए भी प्रेरित करता है। पूंजी बाज़ार का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है जिसमें नई पूंजी निर्गमन करना, उसके अंशों ऋण पत्रों का अभिगोपन करना, राज्य व केंद्र सरकारों या विन्यास विकास न्यायों आदि की पूंजी का भी ये प्रबंध करता है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पूंजी बाज़ार में निम्नलिखित विशेषताएं देखी जाती हैं जिसमें प्रथम है दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में सहायक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया पूंजी बाज़ार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में इसकी अग्रणी भूमिका होती है। तो पूंजी बाज़ार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय में एक उपयुक्त सहायक तरीके से क्रियान्वित होता है। यह कंपनियों एवं निगमों या साधारण स्कंदों या अंशों ऋण पत्रों या सरकार के बॉन्ड्स प्रतिभूतियों का भी लेन देन करता है। निधियों की मांग स्थायी कार्यशील पूंजी संपत्तियों के लिए, संयुक्त पूंजी संपत्तियों से विभिन्न व्ययों व संपत्तियों को वित्त व्यवस्था उपलब्ध करवाना और स्थानीय राज्य व केंद्रीय सरकारों से ट्रस्टों के माध्यम से पोर्ट के द्वारा कार्य संपादित करता है। निधियों की मांग व स्थायी कार्यशील पूंजी के लिए संयुक्त पूंजी कंपनियों से विभिन्न व्यय और संपत्तियों को वित्त
सहायता उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय व राज्य और केंद्र सरकार सुधार और ट्रस्टों एवं पोर्टों के द्वारा की जाती है। पूंजी बाजार एक ऐसा संगठित बाजार है जिस पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल सेबी द्वारा नियंत्रण होता है। पूंजी बाजार विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूंजी उपलब्ध करवाता है और ऐसे उद्योगों के लिए स्थायी व कार्यशील पूंजी सरकार के लिए ऋण बीमा कंपनी और निजी वित्तीय संस्थाओं से गृह ऋण उपभोक्ता वस्तु ऋण और बंधक ऋण आदि उपलब्ध करवाता है। पूंजी बाजार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय लेन देन 7 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष की अवधि के लिए हो सकता है। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से भिन्न होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में मुद्रा बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, जबकि पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। प्रतिभूतियों से यहाँ तात्पर्य अंशों से है। पूंजी बाजार के कई ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी सहायता से उसका संचालन नहीं किया जा सकता है। बैंकर स्कंद और दलाल अभिगोपन आदि इसमें आते हैं। पूंजी बाजार दो प्रकार के बाजार इसमें होते हैं, जिसमें प्राथमिक बाजार में नई पूंजी नवीन प्रतिभूतियों के निर्गमन के पश्चात क्रय विक्रय किया जाता है। द्वितीयक बाजार में उन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय व लेन देन किया जाता है जो पहले से निर्गमित और विद्यमान है। अब हम चर्चा करें पूंजी बाजार की संरचना की, तो भारत में पूंजी बाजार का गठन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हुआ है, जिसमें संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की संस्थाएं सम्मिलित हैं। इन संस्थाओं के बिना पूंजी बाजार सक्रिय कार्य नहीं कर सकता। इसी दृष्टि से पूंजी बाजार के संचालन पे विशेष महत्व है। पूंजी बाजार की संरचना को एक तालिका के द्वारा हम समझेंगे कि पूंजी बाजार की संरचना को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है संगठित बाजार, संगठित पूंजी बाजार भी इसे कहेंगे, संगठित बाजार। दूसरा है असंगठित बाजार। संगठित बाजार वह बाजार होता है जहां भारत के मुद्रा बाजार की एक विशेषता है, जिनको दो भागों में विभाजित किया, जिसमें संगठित और असंगठित बाजार में। संगठित बाजार पूंजी बाजार के अंतर्गत शेयर बाजार महत्वपूर्ण बाजार होता है, जहां स्कंद विनिमय के माध्यम से अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है। इसी प्रकार ऋण पत्रों का क्रय विक्रय अंश पूंजी बाजार के अंतर्गत होता है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंश पूंजी बाजार में समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों की खरीद के लिए होती है। इस प्रकार के ऋण पूंजी बाजार के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियां कंपनी निगमों ऋण पत्रों के क्रय विक्रय के द्वारा होता है। संगठित बाजार मुख्यतया पूंजी बाजार की मांग व पूर्ति के संतुलन बनाने का भी प्रयास करता है। पूंजी बाजार में आपूर्ति के विशिष्ट संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास निगम UTI और भारतीय जीवन बीमा निगम ICCI इत्यादि संस्थाओं के माध्यम से की जाती है। संगठित बाजार में स्टॉक एक्सचेंज बाजार संगठित बाजार में इस प्रकार से विन्यासित किया गया है। पहला है स्टॉक एक्सचेंज अंश बाजार। स्टॉक एक्सचेंज अंश बाजार, अंश पूंजी बाजार। स्टॉक एक्सचेंज अंश पूंजी बाजार। दूसरा ऋण पूंजी। तीसरा वित्तीय बाजार। इस प्रकार से स्टॉक अंश पूंजी बाजार में समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों को शामिल किया गया है, जिसमें समता अंश और पूर्वाधिकार अंश शामिल है। समता अंश वह अंश होते हैं जिसका शोधन नहीं किया जाता है, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जाता है। इस प्रकार से ये सम्मिलित है। ऋण पूंजी बाजार के अंतर्गत सरकारी बंद पत्र कंपनी के ऋण पत्र सम्मिलित हैं। सरकारी बंद पत्र
और दूसरा है कंपनी एवं निगमों के ऋण पत्र। वित्तीय बाजार की हम बात करें तो इसमें IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और म्यूचुअल फंड वित्तीय बाजार में सम्मिलित हैं। ये हो गया संगठित बाजार की संरचना। अब हम चर्चा करें असंगठित बाजार। असंगठित बाजार में वह बाजार है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन नियंत्रण नहीं होता है, किंतु दीर्घकालीन साख प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। असंगठित पूंजी बाजार के अंतर्गत मुख्यतया दीर्घकालीन साख प्रदान करने वाली देशी बैंकर, बड़े साहूकार, ग्रामीण साख, दीर्घकालीन ऋण पत्र इसमें आते हैं। ये संस्थाएं अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र संस्थाएं होती है। यह व्यक्तिगत स्तर पर दीर्घ अवधि के लिए स्वयं के द्वारा निर्धारित ब्याज दरों पर वित्त उपलब्ध करवाती हैं। इनका बाजार में उतार चढ़ाव पर प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। धीरे धीरे संगठित बाजार सुदृढ़ विकास के महत्वपूर्ण असंगठित बाजार का क्षेत्र छोटा होता जा रहा है। इस प्रकार से असंगठित बाजार में मुख्यतया देशी बैंकर और साहूकार को शामिल किया गया है। देशी बैंकर और साहूकार। अब हम बात करेंगे पूंजी बाजार के उपकरणों की। पूंजी बाजार एक सक्रिय संस्था है जिसमें विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से लेन देन होता है। पूंजी बाजार के उपकरण कहलाते हैं। पूंजी बाजार में महत्वपूर्ण उपकरणों में कंपनियों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में विशेष ध्यान या विशेष स्थान होता है। इसके अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियां आदि अन्य उपकरणों का भी क्रय विक्रय होता है। पूंजी बाजार का प्रमुख उपकरण इस प्रकार से हैं, जिसमें कंपनियों की प्रतिभूतियाँ, पहला है कंपनियों की प्रतिभूतियां भी इसके उपकरणों में सम्मिलित हैं, जिसमें पूर्वाधिकार अंश पत्र और ऋण पत्र, बंद पत्र आदि सम्मिलित हैं। सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी इसमें शामिल किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियां केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पूंजी बाजार की प्रतिभूतियां बंद पत्र निर्गमित किए जाते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से सर्वश्रेष्ठ उपकरण कहलाते हैं। ये दीर्घकालीन अवधि की होती हैं। वित्तीय संस्था बैंक आम जनता को कोष संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। उपभोक्ताओं को ऋण। उपभोक्ताओं को ऋण भी इसमें प्रतिभूतियों में शामिल किया गया है। अगला व्यावसायिक ऋण। व्यावसायिक ऋण भी इसके उपकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका है। एक विदेशी बंद पत्र एवं अन्य उपकरण। विदेशी बंद पत्र और अन्य उपकरणों को इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार पूंजी बाजार की संरचना और ये इसके उपकरण है। इसलिए ये आपके एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि पूंजी संरचना या पूंजी बाजार की संरचना कौन कौन सी है और पूंजी बाजार के उपकरण कौन से हैं, जिसमें हमने पूंजी बाजार की संरचना में संगठित बाजार और असंगठित बाजारों के बारे में हमने चर्चा की इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें बाजार के विभिन्न उपकरण जो इस प्रकार से हैं। इसी क्रम में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे पूंजी बाजार का क्या महत्व है और पूंजी बाजार के कौन कौन से कार्य हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और पूंजी बाजार किस प्रकार से या पूंजी बाजार के दोष और उसके निवारण हेतु सुझाव से संबंधित भी प्रश्नों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि पूंजी बाजार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसमें हमें
भारत की अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और पूंजी बाजार के कौन कौन से दोष हैं, पूंजी बाजार के दोषों के निवारण के लिए कौन कौन से सुझाव हैं, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे पूंजी बाजार के महत्व एवं कार्यों के बारे में। तब तक के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।